स्वर्गीय श्री मनोहर दास सरकारी विद्यालय में प्रधान अध्यापक पद पर काम करते, पत्नी श्रीमती शांति देवी 8 बच्चों की देखभाल। इन्हीं के घर 15/2/1973 को जन्म हुआ सुनील कुमार दास का। पिता अध्यापक थे तो सेंट फ्रांसिस मिडिल स्कूल से एडमिशन कर शिक्षा की शुरुआत की, पर 8 भाई बहन और अध्यापक पिता, आय कम थी और खर्चे ज्यादा, तो राज्य संपोषित हाई स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई पूर्ण की। 12वीं और ग्रेजुएशन करने के लिए गोड्डा कॉलेज में आ गए। यही पढ़ाई के दौरान मात्र 18 साल की उम्र में माता पिता ने 21 जून 1991 को मिनौती देवी से शादी करवा दी। अब उम्र कम थी पर शादी हो चुकी थी तो अपनी आय के लिए सोचना जरूरी था। नौकरी भी जरूरी थी पर सरकारी नौकरी करने का मन नहीं था, तो एयरफोर्स और आरपीएफ में सिलेक्शन होने के बाद भी नौकरी ज्वाइन नहीं की। आय के साधन के लिए डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर हो गए और मेहनत कर आरएमपी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लिया। अपनी क्लिनिक चलाने लगे। उम्र बढ़ती गई और साथ बढ़ती गई जिम्मेदारियां। बेटे शेखर सुमन, सौरभ और बेटी सुभी सुमन के पिता बन चुके थे। क्लिनिक बढ़िया चल रही थी। अपनी उम्र की लगभग 22 साल डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के बाद भाई दीपक के माध्यम से सेफ शॉप से मिले। सुनील शुरू से ही डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ थे। भाई का मन रखने के लिए उसे ज्वाइन कर लिया पर काम शुरू नहीं किया। धीरे धीरे भाई के कहने पर ट्रेनिंग लेते, वहां मुलाकात हुई चित्रंजन समलसर से, जिनसे वो प्रभावित हुआ और सेफ शॉप को अच्छी तरह जानने का प्रयास किया। टाइम दिया और जब टाइम मिला तो धीमे धीमे काम करना शुरू किया। डॉक्टर की प्रैक्टिस थी, पैसा आ ही रहा था तो इतना फोर्सफुली वो अपने सेफ शॉप को नहीं देते। पर जब एक फंक्शन देखा तो सेफ शॉप का विजन समझ आया तो 1.5 साल बाद अपने क्लिनिक को बंद कर सेफ शॉप में फुल टाइम आ गए। कांधे पे सूरज टिकाते चला तू, हाथों में भर के चला बिजलिया। कांधे पे सूरज टिकाते चला तू, हाथों में भर के चला बिजलिया। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में कहा। चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े बे धड़क आंधिया। बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े आंधिया। मंजर नया मंजर नया मंजर
डायमंड लीडर मिस्टर सुनील कुमार दास।